हे गाइस नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम बैक टू माय चैनल एचपीटी। कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशी से रह रहे होंगे। सो दिस वीडियो इज अबाउट हेयर प्रोटीन मास्क। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर वन ऑफ द डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट देन दिस मास्क इज परफेक्ट। बहुत ही अच्छा मास्क है। अगर आपके बाल बहुत डल हो चुके हैं, बहुत डैमेज हो चुके हैं, बिल्कुल अनमैनेजेबल कंडीशन में है, बालों में से शाइनेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और उसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपको डेंड्रफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन इचिनेस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम लगती है, हेयर फॉल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम लगती है, सो इन सभी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छा मास्क है। आपको एक बार तो उसको पक्का से ट्राई करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको लगेगा कि कुछ ही एप्लीकेशन के बाद कि आपकी जो ये प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व आउट हो रही है, और उसके साथ ही आपके बाल आपको बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिलेंगे, बहुत अच्छा टेक्सचर मिलेगा बालों का, बाल बहुत ही हेल्दी लगेंगे, बहुत स्ट्रांग लगेंगे, और उसके साथ साथ आपकी जो हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, आपके स्कैल्प में डेंड्रफ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो भी आपकी धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी। तो बहुत अच्छी रेमेडी है, आपको हेयर ग्रोथ ही प्रमोट करेगा। जिन लोगों को लगता है कि एक स्टेज के बाद उनके बालों की ग्रोथ होना रुक जाती है, क्योंकि ऐसा बहुत बार ही होता है, पहले मुझे भी लगता था कि इतने बड़े हो रहे हैं महीनों लग जाते हैं, देखिए पता चला कि 3-4 महीने बीत गए उसके बाद भी सिर्फ आपको इतना या इतना ही आपको डिफरेंस लगा बालों की लेंथ में। सो नो डाउट बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे हमारे इन्वर्जन मेथड मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर आपको बालों की ग्रोथ के लिए आपका ऑयल और कैस्टर ऑयल भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे बहुत सारे मास्क भी हैं जो बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहते हैं और आपको हेयर ग्रोथ प्रमोट करते हैं। सो आपकी सारी चीजों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, आपको पक्का से इसको ट्राई करना है, और उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको ये रेमेडी। बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत ही परफेक्ट रेमेडी है, आपके बालों को अच्छे से कंडीशन करेगी, आपके बालों में मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। सो इस वीडियो में मैं यूज करने वाली हूँ मेनली 2 मेन इंग्रेडिएंट्स, और वो इंग्रेडिएंट है 1 इज हनी एंड 1 इज कर्ड। बहुत अच्छे हैं, आपके बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ ही अगर हम कर्ड की बात करें तो उसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, लैक्टिक एसिड उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट आई विल से कि इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे मील्स, क्योंकि हमारे कर्ड ना सिर्फ हमारे बालों और स्किन के लिए अच्छा होता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा बनाता है, आपके डाइजेशन को बेटर करता है, और इसके साथ ही आपके बोन्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है, और जिन लोगों को अपना फैट रिड्यूस करना है तो बॉडी फैट रिड्यूस करने में भी बहुत ही अच्छा है दही। तो दही आप यूज कीजिए हमेशा, इसे एटलीस्ट दोपहर में या शाम में जब भी आपको लगे, वैसे आई विल सजेस्ट कि आप दोपहर में अपने खाने के साथ दही को पक्का से इंक्लूड कीजिए, आप मॉर्निंग में भी इसे इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो आई विल सजेस्ट यूज इट। ये मास्क आपको अप्लाई करना है वंस इन अ वीक, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो बिफोर वी गेट इन टू द वीडियो इज माई सेल्फ, हे गाइज दिस इज शालिनी एंड यू आर वॉचिंग HBT। सो अगर आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया तो आपका बहुत बड़े वाला थैंक यू। इसके साथ ही अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है, सो आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल लगने वाली है, और आप पक्का से इसको सब्सक्राइब तो कर दोगे, एक बहुत बड़ा सा लाइक। सो इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरी वीडियो सारी की नोटिफिकेशन टाइम पे फ्यूचर में मिलती रहेगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Thank you.
रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आपको अपने बालों से रिलेटेड, आपको अपने स्कैल्प से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उन सभी को दूर करने के लिए, आपको बालों में मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए, एंड दिस इज रियली वेरी परफेक्ट स्पेशली फॉर ड्राई एंड डैमेज हेयर, जिनके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी रहते हैं, बालों में बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है, तो उन लोगों के लिए रेमेडी बहुत ही अच्छी है, बहुत परफेक्ट है। सो पक्का से इसे ट्राई कीजिएगा, इसे ट्राई करके देखिए, उसके बाद आप देखना कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। टू अप्लाई दिस मास्क वंस इन अ वीक, आप टू टाइम भी अप्लाई कर सकते हो वीक में, लेकिन इससे ज्यादा आपको अप्लाई करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अच्छे से आपको अपने मास्क को लगाना है, एंड मेक श्योर कि जब भी आप हेयर वॉश करो तो पहले अपने बालों में या तो कोई मास्क लगा लो या फिर ऑयल लगा लो, लेकिन कभी भी डायरेक्टली वॉश ना करो, स्पेशली वो लोग जिनके बाल बहुत ही ड्राई रहते हैं, बहुत डैमेज रहते हैं, क्योंकि आपके बालों में पहले ही मॉइस्चर की कमी है। और अगर आप बालों को और ज्यादा मॉइस्चर वाली चीजें या ट्रीटमेंट मास्क नहीं लगाओगे, ऑयल नहीं लगाओगे, तो आपके बाल और ज्यादा फ्रिजी हो जाएंगे। सो आई विल सजेस्ट कि कभी भी हेयर वॉश सीधा मत करो, कुछ भी मास्क लगा लो, कभी कोई ऑयल लगा लो, बट कुछ ना कुछ अपने बालों में लगाते रहो, ताकि आपके बाल जो है बहुत अच्छी कंडीशन में रहे, बहुत ही शाइनिंग स्टेट में रहे, और इसके साथ ही बहुत ही मैनेजेबल कंडीशन में रहे। सो आई रियली होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।